हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप झटपट चिकन मसाला रेसिपी बोल सकते हैं या वन पॉट चिकन रेसिपी बोल सकते हैं। जब ऐसा हो कि बहुत जल्दी में हो आप और कुछ अच्छी डिश बनानी है तो ये रेसिपी मेरी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इसे चपाती, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है, इसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, और दो मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटोज़ लिए हैं, बट इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक शामिल करके इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे अभी हम हाथों से इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेंगे। इतना क्रश करना है कि ऑनियन और टमाटोज़ का पूरा पानी आ जाए, पानी रिलीज़ कर देंगे। इस तरह से बस हमें अच्छे से क्रश करना है। हाथों से क्रश करके इन्हें हम सॉफ्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसमें आप ऑनियन और टमाटोज का पानी भी रिलीज़ हो गया है। बस अब इसमें हम बाकी के सारे चीज़ें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम 300 ग्राम्स चिकन शामिल कर लेंगे, मैंने इसे क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया था। एक बड़ा चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी, एक बड़ा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब करीब ऑयल, थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे बिकॉज चिकन भी वाटर रिलीज़ करती है, फिर उसमें ऑनियन और जो टमाटो हमने ऐड किया है उसका भी पानी काफ़ी है, तो थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और कुकर की लीड को लगा के हम इसमें 2 सीटी लेंगे। मैंने 2 सीटी ले ली थी और इसकी गैस को मैंने रिलीज़ कर लिया। अब हम इसे खोल लेंगे। मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है। बस अभी से हमें 1 से 2 मिनट इसी तरह चलाते हुए भूनना है। एक से दो मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, इसे मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, ये हम इसमें ऐड करेंगे। देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। तो आप लोग भी ये मेरी बहुत ही आसान सी चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे आप वन पॉट चिकन रेसिपी भी बोल सकते हैं, झटपट बनने वाली चिकन रेसिपी, या फिर ज़रूर ट्राई करें। बस ये रेडी हो गया है, मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। बस अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हरा धनिया के साथ सर्व कर देंगे।